भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आरा में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार का चुनाव विकास और आतंकवाद के बीच है। एक तरफ बिहार में सुशासन की सरकार तो दूसरी तरफ महागठबंधन वाले फिर से बिहार को नरसंहारों और जंगल राज के दौर में ले जाना चाहते हैं। महागठबंधन के इरादे जनता की ताकत और वोट की शक्ति से चूर चूर हो जाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा मंगलवार को आरा के महाराजा कॉलेज में सातों विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राजद के नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि जो खुद 10वीं पास नहीं है वह 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कहता है। बिहार अब विकास को लेकर वोट करेगा, ना कि जातीय गुलबंद के नाम पर। उन्होंने कहा कि जाति पाति के आधार पर वोट करने का जमाना गया। अब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना विकास कार्य कर दिया है कि लोग भाजपा और एनडीए की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक दौर था जब बिहार में हत्या, लूट, अपहरण, रंगदारी, बलात्कार जैसी बातें आम हो गई थी, किंतु एनडीए के नेतृत्व में नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने बिहार में अमन चैन कायम कर राज्य में सुशासन लाया। बिहार में सड़कें, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी क्षेत्रों में बड़े बड़े कार्य हुए हैं। उन्होंने पटना में दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है, इस अस्पताल में 5000 बेड की सुविधा होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, कोरोना काल में समय रहते पीएम मोदी ने लॉकडाउन कर देश की बड़ी आबादी को काल के गाल में जाने से बचा लिया। जब अमेरिका, फ्रांस, जापान, चीन सहित पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोविड-19 की चपेट में आकर हिल गई थी, तब देश के प्रधानमंत्री ने न सिर्फ भारत को संभाला बल्कि दुनिया के 150 देशों को पैरासिटामोल भेजा। उन्होंने कहा, देश की 30 करोड़ बहनों के जनधन खाते में 3 महीने तक 500-500 रुपए भेजे। उन्होंने उन लोगों के मुंह पर तमाचे लगे जिन लोगों ने मोदी के जनधन खातों को बिना पैसे का खोला गया खाता बताया था। विधानसभा के प्रत्याशी, आरा विधानसभा के प्रत्याशी श्रीमान अमरेंद्र प्रताप जी से आए और अपना स्वागत भाषण दे श्रीमान अमरेंद्र प्रताप जी। मतदाता मालिकों, आज हृदय बड़ा आह्लादित है। हम जो व्यक्ति यहाँ रहा, यहाँ पढ़ा, यहाँ लिखा, यहाँ इस धरती से, इस मिट्टी से, उनका हृदय से आह्लादित है और प्रेम से सुनने आए हैं अपने नेता और भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र प्रसाद जी नड्डा को। मुझे एक दो बातें कहनी है और यही कहनी है स्वागत करते हुए। यहाँ हमारी लड़ाई उन लोगों से है जिन लोगों ने बिहार को लूटा था। अध्यक्ष जो अध्यक्षता कर रहे हैं श्री अशोक शर्मा जी, मंच पर आसीन एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय राघवेंद्र बाबू, विजेंद्र बाबू, कौशल विद्यार्थी जी, मेरी बहन मुन्नी देवी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रेम रंजन चतुर्वेदी जी, एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय प्रभु राम जी, उसकी गिनती नहीं हुई, उसका मशीन नहीं मिला। सवेरे दूसरे दिन स्ट्रांग रूम तोड़ करके और 3 उसमें मशीन घुसाए गए, पता नहीं कहां से वो लाए गए थे। इन सब कारनामों के बाद वो कुछ 100 मतों से जीत पाए थे, 256 मतों से जीत पाए। इसलिए आप पराजित नहीं है, आप अमरेंद्र प्रताप पराजित हो सकता है लेकिन इस धरती की जनता खराब। अंत में एक बार इतनी सीटें एनडीए लड़ रही हैं,
उन सब सीटों पर आप आए हैं तो आपको लोग आश्वासन देंगे और दे रहे हैं कि एनडीए के प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे।